हेलो फ्रेंड्स, श्रुतिस किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे ये खूबसूरत सा केक जो मैं अपनी फैमिली के लिए बना रही हूँ, और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आप किसके लिए बनाएंगे। इसे हम केक बेस से लेकर आइसिंग डेकोरेशन तक पूरा बनाएंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। इसे बनाने के लिए यहाँ मैंने 2 कप होममेड वैनिला केक प्रीमिक्स लिया है, जिसकी रेसिपी आपको यहीं चैनल पे मिल जाएगी, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। उस एक ही प्रीमिक्स से हम सभी फ्लेवर के केक्स बना सकते हैं। तो यहाँ हम आज रेड वेलवेट केक बना रहे हैं। इसके लिए मैंने इस प्रीमिक्स में 2 चम्मच, जो अपना नॉर्मल घर का जो चम्मच रहता है मैंने वही यूज़ किया है, 2 चम्मच कोको पाउडर डाला है। कोको पाउडर डिपेंड करता है आपका किस कंपनी का है, कितना डार्क कलर का है। मेरा यहाँ काफ़ी डार्क कलर का था, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। आप डालते समय ध्यान रखें, अगर इतना डार्क है आपका कोको पाउडर तो आप आधा चम्मच उसमें कम कर सकते हैं। अब इसमें मैं पानी डाल रही हूँ। पानी का मैं कोई मेज़रमेंट नहीं बता रही हूँ स्पेशली कुछ, आपको थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करना है। जब बैटर रेडी हो जाएगा मैं इसकी कंसिस्टेंसी दिखाऊंगी आपको, इस तरह से कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के और इसे मिक्स करती जा रही हूँ। ये देखिए, ये ऑलमोस्ट मुझे जो कंसिस्टेंसी चाहिए केक के लिए वो मिल चुकी है। अब हम रेड वेलवेट केक बनाने के लिए इसमें रेड कलर मिक्स करेंगे। ये मैंने यहाँ रेड जेल कलर लिया है, इसकी मैं 2 ड्रॉप्स यहाँ मिला रही हूँ, और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। जैसा मैंने आपको कोको पाउडर का कहा था, कंपनी पे डिपेंड करता है वो डार्क है या थोड़ा लाइट कलर है, उसी तरह से जेल कलर्स में भी रहता है कि कुछ कंपनी के जेल कलर्स थोड़े से लाइट रहते हैं, कुछ डार्क रहते हैं। तो अभी जो ये मैंने डाला है थोड़ा मुझे लाइट लग रहा है, मैं इसमें और ड्रॉप्स मिक्स कर रही हूँ। मैं आपको अभी इसकी दूसरी एक और बॉटल दिखाती हूँ, वो बहुत अच्छा था, उसका सिर्फ 1 ड्रॉप से ही बहुत अच्छा कलर आता था, लेकिन वो मेरा ख़त्म हो चुका है, ये मैं नया लाई थी अभी। मैं आपको दोनों बॉटल्स दिखाती हूँ। ये देखिए, इसमें रेड कलर आ चुका है, ये आपको बेक होने के बाद दिखेगा। ये देखिए, ये मेरी पुरानी वाली बॉटल है जेल कलर की, लेकिन ये अभी ख़त्म हो चुका है, इसका सिर्फ 1 ड्रॉप भी सफिशियंट होता था, बहुत अच्छा रेड कलर आता था। तो यहाँ केक बैटर रेडी हो गया। अब इसमें 2 चम्मच ऑयल मिलाएंगे और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और ये रेड वेलवेट केक का बैटर तैयार है। ये बैटर रेडी होते ही मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पे प्रीहीट करने के लिए, और अब यहाँ केक पॉट पे मैं ऑयल लगा रही हूँ। आज मैं स्पेशली वैलेंटाइंस डे के लिए केक बना रही हूँ, इसलिए हार्ट शेप का केक पॉट लिया है। अब ये बैटर मैं इस केक पॉट में डालूँगी। कंसिस्टेंसी आप देख ही रहे हैं, इस तरह से आपको कंसिस्टेंसी रखना है केक बैटर की, बहुत ही परफेक्ट बेक होता है, कंसिस्टेंसी का आप ज़रूर ध्यान रखें। इसे इस तरह से 1-2 बार टैप टैप कर दे ताकि कोई एयर ना रहे इसमें, और अभी कढ़ाई भी गर्म हो चुकी है, अब इसे मैं कढ़ाई में रख चुकी हूँ। इसे हम गैस की लो फ्लेम रखेंगे और 30 से 35 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। अराउंड 35 मिनट में ये बहुत अच्छी तरह से बेक हो जाता है। और अगर आप इसे माइक्रोवेव में बनाना चाहते हैं तो आप कन्वेक्शन मोड पे इसे प्रीहीट कर ले, उसके बाद उसमें इस तरह से मीडियम रेक पे हम केक पॉट रख देंगे। इसका टेम्परेचर 180 रखना है और एग्जैक्ट 30 मिनट्स में हम इसे बाहर निकालेंगे। 30 मिनट्स में ये परफेक्टली बेक हो जाता है। अभी ये माइक्रोवेव में भी मैंने एक केक बनाया है, ये चॉकलेट केक है, लेकिन इसको भी मैं स्पेशली वैलेंटाइंस डे के लिए ही बना रही हूँ, तो आप इसका भी वीडियो ज़रूर देखें मेरे चैनल पर, वो भी मैं इसके साथ अपलोड करूँगी। शॉर्ट वीडियो है लेकिन देखिए ज़रूर इसे भी।
और ये देखिए, ये गैस पे जो रखा था वो केक बेक हो चुका है। इसे थोड़ा सा ठंडा होने के बाद अब मैं डिमोल्ड कर रही हूँ। डिमोल्ड करने के लिए पहले इस तरह से साइड से इसे निकाल ले और फिर प्लेट उस पर रख के उसे उल्टा कर दे। और ये देखिए, बहुत अच्छी तरह से ये पूरा बाहर निकल चुका है। अब इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम आइसिंग करेंगे। ये देखिए, ये जो ओवन में रखा था, माइक्रोवेव में रखा था, वो वाला भी बेक हो चुका है। और दोनों केक के कलर में आप डिफरेंस देख सकते हैं। अब हम आइसिंग करेंगे। ये मैंने व्हिप क्रीम रेडी कर ली है, इसे इलेक्ट्रिक बीटर की हेल्प से किया है। ये केक बोर्ड लेंगे और इसके ऊपर अब ये केक रखेंगे। ये जो डोम शेप रहता है हल्का सा, हम उसको निकाल देंगे एक लेयर। इसके बाद अब इस केक को मैं 3 लेयर्स में कट कर रही हूँ। अब जिन्हें ये लेयर्स कट करना आता है वो तो अभी इजीली कट कर लेंगे, लेकिन जिन्हें नहीं आता है वो टेंशन ना ले। मेरी केक क्लास के वीडियोस जो है आप कंटिन्यू रखें, मैं बहुत ही जल्दी उस पर इसका भी डिटेल वीडियो बनाऊंगी कि आपको किस तरह से ये लेयर्स कट करनी है। उसके बाद आप डेफिनेटली बहुत ही परफेक्ट तरीके से लेयर्स कट कर लेंगे। अब यहाँ मैंने पहली लेयर पे थोड़ा सा पानी लगा के और इस तरह से व्हिप्ड क्रीम डाल रही हूँ, इसे पूरा स्प्रेड कर देंगे। ये एक लेयर पे क्रीम लगा दी है, अब इसके ऊपर सेकंड लेयर रखी है, इस पर भी इसी तरह से ये पानी डालेंगे और अब ये व्हिप्ड क्रीम इस पर फैला दी है। साइड से भी इसको हल्का सा फिनिश करते जाएंगे। अब इस पर ये थर्ड लेयर रख दी है और इसको भी इस तरह से कवर कर रही हूँ। इसको ऊपर से अच्छी तरह से कवर करके और फिनिशिंग करते जाएंगे और इसी तरह से साइड्स पे भी हम व्हिप क्रीम लगा के इसकी फिनिशिंग करेंगे। आप इस तरह से स्पैचुला को क्लीन कर लीजिए और फिर इसकी फिनिशिंग अच्छे से होगी। ये देखिए, यहाँ पहले मैंने एक बहुत ही पतली सी लेयर लगाई जिसको क्रम कोट कहते हैं, ताकि जो केक के पार्टिकल्स है वो बाहर ना निकले। और अब इस पर मैं इस तरह से व्हिप क्रीम लगा के और इसको फिनिशिंग करती जा रही हूँ। ये फिनिशिंग आप चाहे तो स्पैचुला से भी कर सकते हैं और नहीं तो आप स्क्रैपर से कर सकते हैं। यहाँ मुझे इसको थोड़ा सा राउंड रखना था, शार्प एजेस ना रख के इसको राउंड में करना था एजेस को, तो इसलिए मैंने यहाँ एक विजिटिंग कार्ड लिया है। ये देखिए, अच्छे से इसकी फिनिशिंग कर दी है। इस पर मुझे पूरे पे जेल लगाना है, इसलिए बहुत ज़्यादा फिनिशिंग की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैंने 2 चम्मच जेल लिया है, ये जेल भी होममेड है। इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मुझे आप कमेंट ज़रूर करें, मैं आपके लिए इसका वीडियो भी बनाऊँगी। इसमें जेल में मैंने 1/2 चम्मच व्हिप क्रीम डाली है, जो हमने अभी व्हिप क्रीम यूज़ की वही मैंने इसमें 1/2 चम्मच मिक्स की है। और इसे अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें। अब इसमें रेड जेल कलर डाल रही हूँ और ये देखिए, बहुत अच्छे से बन गई है। अब और डार्क अगर चाहते हैं, मुझे यहाँ अभी थोड़ा सा लाइट लग रहा था, मैंने और कलर मिलाया है और इसमें कुछ ड्रॉप्स पानी की ऐड करेंगे। ये देखिए, ये कलर तैयार हुआ है इसमें। और अब आप इसकी कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं, बहुत गाढ़ा भी नहीं है और बहुत लिक्विड भी नहीं है ये। और इस तरह से इसको केक पे फैला देंगे। मुझे इसकी साइड्स पे भी फैलाना है, तो मैं इस तरह से इसकी साइड्स पे भी डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसे ऐसा भी रख सकते हैं, ये भी अच्छा दिखता है केक में, लेकिन अभी मैं साइड्स पूरी कवर कर रही हूँ, इसे कम्प्लीट रेड केक बना रही हूँ। जेल कलर में अगर हम इस तरह से थोड़ा सा व्हिप्ड क्रीम डालते हैं तो वो थोड़ा सा डेंस दिखता है और उसका लुक ज़्यादा अच्छा आता है। ये देखिए, केक जेल से पूरा कवर हो चुका है। अब इसे ऊपर से डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पाइपिंग बैग में वाइट क्रीम जो है वो भरी है और कोई नोज़ल यूज़ नहीं किया है, सिंपल डेकोरेशन है बस। इसे आगे से
थोड़ा सा कट कर लिया है और इस तरह से हम हार्ट बनाते जाएंगे और उन्हें बीच में फिल करते जाएंगे। तो ये रेड कलर पे ये वाइट हार्ट्स बहुत सुंदर दिखेंगे। ये हाफ पोर्शन में मैं लगा रही हूँ और हाफ पोर्शन में हम चॉकलेट से डेकोरेट करेंगे। ये देखिए, ये हार्ट आप कोई छोटा हार्ट बड़ा हार्ट इस तरह से भी बना सकते हैं, अलग अलग साइज़ के, वो भी अच्छे दिखेंगे। ये इस तरह से हार्ट बना लिए और जो साइड है इसकी उन पे मैं इस तरह से एक रैंडम डिज़ाइन बना रही हूँ। ये डिज़ाइन बनाने में बहुत ही आसान और लेकिन लुक बहुत अच्छा दे रही है। देखिए बहुत अच्छा दिख रहा है वो कि। अब यहाँ जो दूसरी साइड है हार्ट की उसमें मैं इस तरह से चॉकलेट्स लगा रही हूँ और साथ में ये गोल्डन स्प्रिंकलर्स डाल रही हूँ। तो ये देखिए ये केक रेडी हो गया है, कितना सुंदर दिख रहा है और बहुत ही जल्दी बन गया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करिए, और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करिए और पास में बना बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि आने वाली इसी तरह की रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्दी ही हम मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।